नमस्कार दोस्तों, हाल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अपने करियर के 100 मैच खेलने के बाद विश्व क्रिकेट में एक कीर्तिमान बना लिया है। दोस्तों, बाबर आजम के इंटरनेशनल वनडे में 100 मैच पूरे होने के बाद विराट कोहली और बाबर आजम के बीच क्रिकेट जगत में तुलना होना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विराट कोहली और बाबर आजम के वनडे करियर के शुरुआती 100 मैचों के आंकड़े आपको बताएंगे। बस दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आप विराट कोहली और बाबर आजम में से किस खिलाड़ी को पसंद करते हैं, इस वीडियो पर अपना कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम इस वक्त खास मुकाम पर है। वे गजब की फॉर्म में हैं और करीब करीब हर मैच में रनों का अंबार लगा रहे हैं। बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई सीरीज में अपने 100 वनडे मैच पूरे कर लिए हैं। सीरीज के 5 में से 4 मैच पाकिस्तान ने जीते, लेकिन आखिरी मैच जीत कर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। पाकिस्तानी टीम वनडे ICC रैंक में पहली बार नंबर 1 पर पहुंच गई थी, लेकिन उसकी ये खास उपलब्धि केवल 48 घंटे की होकर रह पाई और उसके बाद टीम फिर से नंबर 3 पर पहुंच गई है। बराबर की रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया नंबर 1 और 2 पर हैं। बाबर आजम की तुलना अक्सर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली से की जाती है। अब जबकि बाबर आजम ने अपने 100 वनडे मैच कर लिए हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि जब विराट कोहली ने अपने पहले 100 वनडे मैच खेले थे, जब वे कहां थे और बाबर आजम उसी पड़ाव पर किस मुकाम पर हैं। बात पहले शुरू करते हैं बाबर आजम से। दोस्तों, बाबर आजम ने जब 100 वनडे मैच खेले हैं, तो वे 100 वनडे के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इसी सीरीज में उन्होंने अपने 5000 रन भी पूरे किए हैं। अभी बात करें तो उनका औसत 59.17 का है और उनके नाम अब तक 5089 रन हो गए हैं। वहीं जब विराट कोहली ने 100 वनडे मैच खेले थे, तब उनका औसत 48.89 का था और उनके रनों की बात करें तो तब वे 4107 रन अपने नाम कर चुके थे। यानी इस तरह देखें तो किसी भी लिहाज से विराट कोहली बाबर आजम के सामने नहीं टिकते, लेकिन विराट कोहली ने अब तक 274 वनडे मैच खेले हैं, उसमें 57.32 की औसत से 12,898 रन बना चुके हैं। इसमें 3 साल का वो दौर भी शामिल है जब विराट कोहली अपने फॉर्म से जूझ रहे थे और उनके बल्ले से रन ही निकल रहे थे। इसके बाद विराट कोहली ने शानदार वापसी की और न केवल वनडे में बल्कि T20 इंटरनेशनल में भी शतक जड़ने का काम किया। इससे पहले 100 वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान हासिम अमला के नाम था, जिन्होंने 4,808 रन बनाए थे, लेकिन बाबर आजम का कब्जा इस रिकॉर्ड पर हो चुका है। उन्होंने 100 मैचों में 5,000 रन बनाकर एक नया कीर्तिमान जड़ दिया है। दोस्तों, वैसे इस रिकॉर्ड की बात करें तो विराट कोहली से आगे शिखर धवन भी 100 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।